कैसे हैं आप? ये सिस्टम लीक है, ये ट्रेन का पैकेज लीक है, और ये इसका छोटा सा कंट्रोल है, इसके जो कंप्रेसर है, जो पुराने कंप्रेसर हैं, वो खराब हो गए और ये कंडेंसर से लीक है। जैसे लाइन पंच हो जाती है, वैसे लाइन पंच हुई, आप देख सकते हैं बबल्स आ रहे हैं, इसके ऑयल ऑयल पूरा है, पूरे एरिया में ऑयल ऑयल है, तो वहां से रिकनाइज हो जाता है कि लीक कहाँ से, ये कंडेंसर कॉइल से लीक है। ये बिल्कुल जो है इसकी केज हल्की होती है, बड़े एहतियात से इसको जो है ब्रेजिंग करते हैं, तो ब्रेजिंग की वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, एक बार से वीडियो बनाना और ब्रेजिंग करना थोड़ा मुश्किल है। ये इसकी लाइन है, ये पंच हुई और पंच से थोड़ा सा लीक हो गया। लीक फिक्स कर लिया, इसको प्रेशर दे दिया मैंने, 122/3 प्रेशर है इसको, अभी इसमें पानी मार के चेक करते हैं, इसमें लीक तो नजर नहीं आ रही। इसको अच्छी तरह मैंने सोल्डरिंग के साथ थोड़ा पूरा कवर कर दिया था, क्योंकि ऐसा होता है कि तो लीक हो जाएगा टेंशन, एक जगह से हम करते हैं लीक रिपेयर करते हैं दूसरी जगह में होता है, तभी लीक तो नजर नहीं आता। इस सर्किट का जो है लीक था उसको भी रिपेयर कर दिया मैंने, और ये इसका सिंपल सा जो है वायरिंग है, और अभी मैं गैस प्रेशर निकाल रहा हूँ वैक्यूम करने के लिए। ये मेरे पास वैक्यूम पंप पड़ा हुआ है और अभी थोड़ा प्रेशर है उसमें, बंद करता हूँ तो ये प्रेशर है उसमें 0 पे तकरीबन हो गया, लेकिन अभी एयर आ रही है, तो जब तक वैक्यूम तब तक नहीं लगाना जब तक ये पूरा प्रेशर खत्म ना हो जाए, अदरवाइज वो ऑयल यहाँ से फेंकेगा बाहर, प्रेशर ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज इस प्रेशर इसको लगा के आपको दिखाता हूँ वैक्यूम को ऑन करता हूँ, तो इसको थोड़ा ले रहा हूँ कुछ ऑयल आए, निकलती है इसको बंद भी कर देते हैं तो उससे एयर निकलती है इसमें, अभी उसमें तरह इसमें का साउंड कर रही है, ऐसे खोलता हूँ, अभी भी इसमें प्रेशर आ रहा है, छोटा सर्किट है इसलिए इसको ज़्यादा टाइम तक वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम इसको मैं 2 से 3 घंटे तक वैक्यूम करूँगा, और इसका माइक्रो चेक करने की नहीं है, ये गेज से पता चल देगा, जब ये गेज माइक्रो में जाएगी तो मैं गेज लेने के लिए इसको माइक्रो में गेज से चेक करने की इतना कोई ज़रूरत नहीं, सर्किट छोटा ही है, तो इसको चेक करने के लिए मैं वैक्यूम करने के बाद थोड़ा होल्ड रखूँगा, जब ये 30 पे आ जाएगा, इन 30 के पास आ जाएगा, होल्ड रखूँगा आधा पौना घंटा, जब वो प्रेशर होल्ड रहेगा, वैक्यूम होल्ड रहेगा जब वो, तो फिर इसमें हम इसमें गैस चार्ज कर सकते हैं इजीली। पैकेज यूनिट आइए ट्रेन का,
ये सिस्टम भी वैक्यूम में है, वैक्यूम चल रहा है अभी, और मैं वैक्यूम बंद करूंगा। इसको पहले बंद करना है, और वैक्यूम देख लेना आपने कहाँ पे आपका ये सुई है, और उसके बाद आपने वैक्यूम बंद कर देना। और तकरीबन 20 से 30 मिनट वेट करना है कि आपका ये वैक्यूम है ये टूटता है या नहीं टूटता, क्योंकि अगर माइनर सी भी लीकेज होगी तो वैक्यूम टूट जाएगा। थोड़ी वेट के बाद हम इसमें गैस डाल देंगे। 30 मिनट हो गए हैं और ये अभी वैक्यूम में ही है, तो अभी मैं इसका जो है वैक्यूम ब्रेक करता हूँ। ये मेरा क्लोज है यहाँ पे, और इसको मैं खोलता हूँ। ऑफ पोजीशन में जितनी गैस जाती है आपने डाल देंगे। इसको पर्स कर देते हैं और गैस डाल देते हैं। दो सर्किट के लिए एक और दो, दो इसमें सर्किट हैं और दो कॉन्टैक्टर हैं। ये ऊपर जो कॉन्टैक्टर है ये वेपोरेटर ब्लोअर है जो उसके लिए, इंडोर ब्लोअर के लिए, और जो फैन के कनेक्शन है इसी के साथ हैं। अभी ये जो है कंट्रोल की वायर है ये निकाल दी थी, कंट्रोल की वायर लगाएंगे और इसको ऑन करेंगे। अभी इसकी पावर ऑन करते हैं। अभी कंप्रेसर है जो चल रहा पहले से, उसके एम्पीयर चेक कर लेते हैं, 16 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। ये कूलिंग कर रहे हैं। दूसरा सर्किट भी ऑन करना है। ये मैंने रिले को वायर लगा दिया, अभी ऑन करते हैं। दोनों कंप्रेसर चले हैं। इस कंप्रेसर के एम्पीयर चेक कर लेते हैं, 11 दिखा रहा है। अभी गैस कम लग रही है मुझे।
तीनों वायर पे चेक कर लेते हैं। तीनों वायर पे बराबर अपेयर, एक तो कम है बस, इससे फर्क नहीं पड़ता। कितना प्रेशर हो गया, लाइन बंद की है तो ये प्रेशर दिखा रहा है, 35 दिखा रहा है। रनिंग पोजीशन में भी ये चेक कर रही है, लीकेज नहीं है, अभी सिस्टम चल रहा है और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। बंद कर लेते हैं सिलेंडर को, अभी जो सक्शन प्रेशर है वो 40 है और एम्पीयर 15 आ गए हैं। थोड़ी देर सा और डालेंगे, अभी जो प्रेशर है 50 से थोड़ा सा ऊपर है। साथ में वेयर भी ऑब्जर्व करने हैं, हो गया प्रेशर और एम्पीयर 15 पॉइंट समथिंग है। इसके बारे में कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो भी चैनल नया